नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हां दोस्तों, नेपाल आज यूएन की जो एजेंसीज हैं उन पर राज कर रहा है। ये बात सुनकर आप ऐसा जरूर सोचते होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ फैक्ट बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम सच खबर है ये कि यूएन की प्रत्येक एजेंसी के ऊपर यहाँ पे नेपाल की बहुत बड़ी भागीदारी बन चुकी है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि यूएन के लोग अब यहाँ पे नेपाली लोगों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। तो किस प्रकार से ये बात मैं कह रहा हूँ, इसका पूरा प्रूफ मैं दूंगा आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएन अलग अलग तरह की एजेंसी चलाता है, जिसके अंदर अगर बात करें शांति मिशन की तो उसमें नेपाल पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ले चुका है। यानी कि अपने मेंबर्स की संख्या, अपनी आर्मी की संख्या सबसे ज़्यादा देने वाला देश बन चुका है। वहीं पर अलग अगर एक और एजेंसी की बात करें जिसमें महिलाओं को सम्मान दिलाने की, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने की बात करें तो वहाँ पे भी यहाँ पे नेपाल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें स्वास्थ्य से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइंस से संबंधित, तो इन सभी क्षेत्रों में नेपाल आज यूएन के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ कर रहा है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि नेपाल 5 संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियों के नेतृत्व की स्थिति में है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के 5 निकायों में अपने कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। इसे 5 संयुक्त राष्ट्र निकायों का सदस्य भी चुना गया है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के जो उन्मूलन है उनमें कन्वेंशन करने के लिए यहां पे नेपाल का नागरिक चुना गया है। और नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने नेपाल के लोगों को चुना है। इसके साथ साथ विकास के और अधिक यहां पे साइंटिफिक और प्रौद्योगिकी पर भी नेपाल को यहां पे संयुक्त राष्ट्र ने एक मेंबर को चुना है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी चुना गया है जो कि नेपाली है। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि यह CEDAW के लिए 3 साल काम करेगा और CND के लिए 2 साल काम करेगा। CPD और CSTD के लिए ये सदस्य जो हैं वो यहाँ पे पूरे साल काम करेगा। यह पहले से ही 2021 तक संयुक्त राष्ट्रीय महिला के लिए और संयुक्त राष्ट्रीय जो महासभा है उसके आर्थिक और वित्तीय समिति के अध्यक्ष और उनकी कानूनी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुका है, जिससे उनको यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो नेपाली हैं वो अनुभाविक हैं और एक अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन पर विश्वास इसलिए भी जताया है क्योंकि ये कर्मठ होते हैं और ये ऐसे कह सकते हैं कि ये एक आदरणीय हो सकते हैं जो कि लोगों के लिए एकदम स्टीक तरीके से इंटरनल यहाँ पे मोटिवेट, या फिर ऐसे कहें कि एक पूर्ण रूप से 100% देने वाले लोग होते हैं, जिससे कि यहाँ पे यूएन ने इन पर भरोसा दिखाकर अपनी 5 एजेंसियों में एक साथ नेपाल को, या फिर हम नेपाल के नागरिकों को चुनने की बात की है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक साथ एक ही एजेंसी के 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में नेपाल के यहाँ पे मेंबर्स होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 बार अस्थायी सदस्य नेपाली संयुक्त राष्ट्र निकायों में अतिरिक्त सुधार करने और इन्हें अधिक सक्रिय, प्रभावी और कुशल बनाने की आवश्यकता पर बल दे रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नेपाल आज काफी ज्यादा उन्नति पर चल चुका है। वहीं पे यूएन का भरोसा जीतने के लिए भी नेपाल को ढेरों सारी बधाइयां देने के पात्र बन चुके हैं। वहीं पे हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है उसके अंदर नेपाल आज नंबर 1 पर स्टैंड कर रहा है, जो कि दर्शाता है कि नेपाल कर्मठ तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पे शांति के मामले में पूरे वर्ल्ड के साथ यहाँ पे काम कर रहा है और वो यूएन के साथ मिलकर शांति स्थापना जो बना रहा है वर्ल्ड की, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसे देश की पूरे वर्ल्ड को आवश्यकता है। और ऐसे देश के लोग अगर इन एजेंसियों में काम कर रहे हैं तो इसमें किसी को भी कोई दोहरा नहीं हो सकती। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।